ये देखिए चलाते चलाते आपको ठंडा करना है बिल्कुल, मलाई को आप नहीं जमने दीजिएगा। ऐसे आप 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद सर्व कीजिएगा। 1 नंबर परफेक्ट आपका पनीर खीर रेडी होगा। चलिए इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। जागीती किचन में आप लोग का वेलकम है। राधे राधे। यहाँ पर हम 1 लीटर दूध लिए हैं। आज हम पनीर का खीर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए दीपावली स्पेशल हम बनाने जा रहे हैं, कुछ नया बनाएंगे। अब मैं कल भी बनाई थी, सबको बहुत पसंद आया था। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले ली हूँ, पहले मैं उबाल के रखी थी ताकि फटे नहीं। चलिए इसे हम उबाल लेते हैं और आधा कर लेंगे, उसके बाद मैं क्या कर लेती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए दूध उबलने के लिए हम रख दिए हैं। इसे लो फ्लेम पर मुँह उबालेंगे और गाढ़ा करेंगे, तब तक हम क्या क्या लेते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिए, ताज़े पनीर लिए, मेरे घर का पनीर है। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम कत्थक पाउडर ले लिए हैं। चलिए इसे हम घोल बना लेते हैं। पहले ठंडे पानी में इसको घोल बनाना है आपको। दूध बाद इसे हम दूध में मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह इसे घोल बनाना है आपको। दूध को गाढ़ा करने के लिए इसको हम डालेंगे। ये देखिए घोल बन गया है। चलिए अब और क्या क्या लेते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम काजू बादाम ले लिए, पिज़्ज़ा बादाम ले लिए, काजू ले लिए, केसर का धागा ले लिए, यहाँ पर चिरौंजी ले लिए और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ले लिए। चलिए सबको कैसे कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर हम पीसी चीनी लेंगे 100 ग्राम। अब यहाँ पर हम 100 ग्राम चीनी ले लिए, पीसी हुई चीनी। आप भी पीसी हुई चीनी लीजिएगा ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। चलिए अब यहाँ पर हम पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर हम पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। आप भी ताज़े पनीर लीजिएगा। चलिए सारे हम पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए सारे कद्दूकस हो गए हैं। चलिए इसे हम अलग कर लेते हैं। आप दूध को चेक कर लेते हैं। यहाँ दूध को चलाते हुए रहिएगा, बिल्कुल मलाई मत जमने दीजिएगा। मलाई जमेगा तो आपका खीर अच्छा नहीं बनेगा। ये स्पेशल दीपावली के लिए हम बनाकर देंगे और खाने में भी आनंद बहुत आएगा। चलिए इसे हम बनाकर दिखाते हैं। एक बार आने के बाद मैं कस्टमर पाउडर का घोल डाल दूंगी गाढ़ा होने के लिए। चलिए एक बार आने देते हैं, चलाते रहिएगा बीच बीच में। ये देखिए उबाल आने लगा है। ये और भी उबाल आने लेंगे, थोड़ा और दूध को सुखा लेंगे, तब हम पनीर डालेंगे और वो घोल डालेंगे। चलिए इसे हम सुखा लेते हैं। बिल्कुल मलाई लेकिन जमने मत दीजिएगा, न तो आपका पनीर खीर ख़राब हो सकता है, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए चलिए 2 मिनट के बाद मैं आपको फिर चेक कराऊँगी। ये देखिए दूध में अच्छी उबाल आ गए हैं। चलिए अब इसमें हम कस्टमर पाउडर का घोल डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे हम इसमें डाल देंगे, ऐसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलें, शेयर भी कीजिएगा। चलिए इसे एक उबाल आने के बाद मैं इसमें पनीर डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ, बहुत अच्छी उबाल आई है। चलिए इसमें हम थोड़ा चिरौंजी डाल देते हैं। ये देखिए चिरौंजी हम डाल दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा हम केसर का धागा भी डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा हम काजू डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा यहाँ पर पिस्ता बादाम डाल देंगे, काजू बादाम। यहाँ काजू और पिस्ता दोनों बादाम हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर इलायची पाउडर भी हम डाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे, पहले बिल्कुल मलाई जमने नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम पनीर को भी डाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम पनीर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ। ये देखिए सारे इसमें हम धीरे धीरे मिक्स कर देंगे, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। पनीर को भी हम 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। चलिए इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए
बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है और दानेदार बिल्कुल लगेगा। आप ट्राई जरूर एक बार कीजिएगा। तो इसे हम 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं चलाते हुए, बिल्कुल हम इसे रोकेंगे नहीं तो आपका ये अंदर मिल जाकर बैठ ही जाएगा। ऐसे हाई लो पर मत बनाइएगा, मीडियम पर बनाइएगा तो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनेगा। अभी चीनी हम नहीं डालेंगे, उतारने घड़ी हम डालेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गया, अब यहाँ पर 1 मिनट और बाकी है तो 1 मिनट हम चीनी डालकर पकाएंगे। यहाँ पर चीनी आप कम बेसी अपना कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। फिर इसमें हम चीनी हम इसमें डाल देंगे और इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस 1 मिनट के लिए और इसे हम चलाएंगे। ये देखिए बस 1 मिनट के लिए ही हम पकाएंगे इसको। अब ये देखिए हो गया है कंप्लीट। इसे ज़्यादा हम दूध को और नहीं सुखाएंगे। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम लगातार ठंडा करते रहेंगे, तब तक ठंडा करेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। और बिल्कुल इस पर मलाई मत जमने दीजिएगा, अगर छोड़ दीजिएगा तो मलाई जम जाएगा। चलिए गैस से उतार लेते हैं हम। ये देखिए चलाते चलाते आपको ठंडा करना है, बिल्कुल मलाई को आप नहीं जमने दीजिएगा। ऐसे आप 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद सर्व कीजिएगा। 1 नंबर परफेक्ट आपका पनीर खीर रेडी होगा। चलिए इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। चलिए एक बॉल में हम निकाल कर सर्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। ऐसे हम फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया बन के रेडी हुआ है पनीर खीर। ये अभी गाढ़ा होगा, 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर चिरौंजी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा केसर भी डाल देंगे, मतलब पिस्ता बादाम डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर काजू बादाम भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा सा हम काजू डाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम केसर भी डाल देंगे। ये देखिए पनीर खीर आपका बनकर रेडी हो गया है। राधे राधे।